तो फ्रेंड्स आज जो है आप देखिए कितनी अच्छी धूप निकली है। आज मुझे लगता है एक आध हफ्ते बाद इतनी अच्छी कड़ी धूप यहाँ पर निकली हुई है हमारे कैंपस में। तो ये आप देख सकते हैं पीछे मैंने आज मॉर्निंग से कितने कपड़े धो लिए हैं, सारी बेडशीट्स भी निकाल के, सोफ़ा कवर, ये सब कुछ मैंने आज धो लिया क्योंकि इसे बहुत दिन से मेरा मन था धोने का और सब इतने सीते सीते से अजीब सी मतलब लग रहा था उनको देख कर ही, तो इसीलिए मैंने आज ये सारे कपड़े धोए। आप देख सकते हैं ये देखिए तो ज़रा धूप क्योंकि बहुत ही अच्छी है। सुबह से आज मैं यही कपड़े ही धोने में और ये सब करी हूँ, प्लस जो डोरमेट वगैरह है ना उनको भी थोड़ा सा धूप दिखा दी है। ये देखिए आप ये रखा हुआ है इस तरह से, तो ये सारे कपड़े जो कुछ कुछ सूख गए होंगे तो वो मैं उठा लेती हूँ। फिर आज मैंने ये टॉवल वगैरह भी, क्योंकि ये सब भी मोटी मोटी रहती है ना, बारिश के टाइम पे हम बिल्कुल भी यानी उनको नहीं धो पाते हैं क्योंकि वो सूखती नहीं है ढंग से और फिर उसमें से अजीब सी स्मेल आती है। तो आज जो धूप निकली है उसका मैं फ़ायदा उठा लेती हूँ क्योंकि कल का पता नहीं कल फिर से बारिश ना होने लगे। तो चलिए जो कपड़े सूख गए होंगे ना हम उसको उठा के, जो और मैं ये बाल्टी जो रखी हुई आप देख रहे हैं बकेट में उसमें और भी कपड़े हैं तो वो जो मतलब उनको फैला देते हैं। तो आज का जो काम है ना ये कपड़े धोने वाला काम स्टार्ट हो गया है। अब ये नहीं कहा कि आज छुट्टी है, भैया जी का स्कूल है, सैटरडे का दिन है तो इनका भी ऑफिस है, अमन का भी स्कूल है और ये दोनों अब भी जस्ट ब्रेकफास्ट वगैरह में लगी हुई हैं, खेल रही हैं, उठ गई हैं दोनों जन। तो आज आप देखिए आज जो है कितने कपड़े धो लिए हैं वो बेडशीट, क्योंकि बहुत दिन से मेरा मन हो रहा था, एक हफ्ते से लग रहा था कब मौसम खुले और मैं कब ये सब धो के अच्छे से धूप दिखाऊं इनमें। तो चलिए फ्रेंड्स मैं फटाफट से कपड़े उठा, फिर ये देखिए आप सभी जानते हैं कि आज तो कैंपस में चलती है ट्रेन, तो बस हम लोग आ चुके हैं इनको ट्रेन में बिठाने के लिए और इस तरह से बैठ चुकी हैं ये लोग क्योंकि हर मतलब सैटरडे संडे दोनों दिन इनको ट्रेन में बैठना होता ही होता है और अच्छा लगता है, पूरा कैंपस का वो राउंड लगाती है तो बच्चों को यही एक एंजॉयमेंट रहता है। तो ये देखिए काफ़ी सारे बच्चे हैं बैठ चुके हैं और बस अब ट्रेन छूटने ही वाली है और फिर ये देखिए पूरी निकल चुकी है और जैसे ही हम यहाँ पर इनका करते हैं वेट, आज देखिए छुट्टी का टाइम दिन है तो बस इन लोगों को कुछ अच्छा खाने को चाहिए। तो आज काफ़ी टाइम बाद वैसे आई हुई है घर में, अमन के लिए आए हैं मोमोज और फुल्की लेकर आए हुए हैं क्योंकि अभी काफ़ी टाइम से ना लेके नहीं आ रहे थे क्योंकि सर्दी हो रही थी, इन लोगों को तो बाहर का कुछ दे नहीं रहे थे, एग्ज़ाम टाइम भी स्टार्ट ही होने वाले थे तो तबीयत ना ख़राब हो, लेकिन आज लगा उनको कि नहीं लेके आना है तो बस ये देखिए फुल्की और मोमोज लेकर आए हुए हैं। तो ये तीनों जन बैठ के खाएंगे, मम्मी जी और ये तीनों बच्चे, हम लोग भी खाएंगे, ये नहीं खाएंगे पर हाँ हम लोग, और बस यही मैगी वैगी और इनके चिप्स वगैरह सब आए हुए हैं खाने के लिए। तो इस तरह से प्लेट में मैं मोमोज पैक करा के ले आए थे क्योंकि भैया जी तो गए नहीं थे और इनका ट्यूशन भी रहता है फिर शाम में तो इसलिए वो नहीं गया था, तो उसके लिए इस तरह से निकाल के दे दिया है ये चटनी, इस तरह से पैक करके वो देता है तो बस प्लेट्स में निकाल के देते हैं और फुल्की बच्चों को बना के देते हैं तो सभी लोग एंजॉय करते हैं फुल्की। मोमोज तो सिर्फ अमन खाता है, फुल्की सभी लोग खाते हैं। तो ये देखिए अवनी निका ने भी खाना स्टार्ट कर दिया है और काफ़ी टेस्टी ही बनते हैं बस। तो फ्रेंड्स आइए आप भी आइए और हम लोगों के साथ फुल्की और मोमोज को एंजॉय करिए। फ्रेंड्स ये देखिए अपनी निका दोनों हो गई हैं रेडी और टाइम हो रहा है 7:30 अभी होने वाला है और वो दोनों रेडी हो चुकी हैं और आज अभी वो जा रही है अपनी डांस क्लास। आज उनकी डांस क्लास है मॉर्निंग में क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते ही हैं डांडिया नाइट सेलिब्रेट जो होना है उसकी प्रैक्टिस के लिए आज मॉर्निंग से है। तो चलिए दोनों जन रेडी होके जा रही है, बस संडे के दिन मॉर्निंग में सुबह सुबह से उठा दिया है इनके डांस टीचर ने। चलिए हम लोग चलते हैं और इनको डांस क्लास अटेंड करा के लाते हैं पहले। तो
लोग आ चुके हैं, तो ये देखिए इस तरह से आज स्टेज में रिहर्सल वो करा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं सर। और फिर उसके बाद बोला, क्योंकि ये तो वीक में एक ही दिन आते हैं इनके सर, तो बोला हुआ है आप मतलब हम लोगों को ही फिर बच्चों की भी प्रैक्टिस कराना है डेली, मतलब साथ में इकट्ठे होकर। और फिर क्योंकि ये ग्रुप डांस है तो सबका एक साथ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो बस इस तरह से देखिए लोगों का क्लास अभी चल रहा है, और फिर हम लोग जो हैं सब टाइम एक सेट कर लेंगे कि किस टाइम पर डेली आके बच्चों को प्रैक्टिस कराना होगा। तो इस तरह से बच्चों की चल रही है डांडिया नाइट की प्रैक्टिस, मेरी भी चल रही है, प्लस एग्ज़ाम भी है, तो सब कुछ मैनेज करके चलना कि टाइमली मेरा भी प्रैक्टिस हो, इनका भी प्रैक्टिस हो, और साथ में पढ़ाई जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है वो भी साथ में होती जाए अच्छे से। तो फ्रेंड्स, कल आपने देखा था सारे बेडशीट, सोफ़ा कवर ये सारे धो दिए थे मैंने, और आज भी अच्छी धूप निकली है, तो आज है ना पूरे जो गद्दे वगैरह हैं उन सबको हम लोगों ने धूप में रखा हुआ है। ये और भी कपड़े अभी डेली वाले मेरे घर में आए हुए हैं, रजाई वजाई जो भी निकली हुई थी आज सबको धूप दिखाई है। तो ये देखिए गद्दा इस तरह से आप पीछे देख सकते हैं कि हाँ है। सोफ़ा के भी गद्दे वगैरह रखी थी मैंने, सारे वो कुशन उशन सब आज धूप दिखाया, क्योंकि अच्छी कड़ी धूप थी, तो सब सोफ़ा के कवर तो उठा ले गई हूँ, गद्दे अभी रखे ही हुए हैं। ये सब काम संडे में इसलिए किया फ्रेंड्स क्योंकि ज़्यादा भारी चीज़ें तो मैं नहीं उठा पाती हूँ, देखिए तय आने में कैसा हो गया मुझे, तो ये सब भारी चीज़ें ना ये उठा उठा के लाके इन्होंने एक्चुअली रखा हुआ है। जो मेरे बस का रहता है वो मैं कर लेती हूँ, जो इनकी हेल्प जिसमें थोड़ी बहुत भी चाहिए रहती है तो वो मैं फिर जब ये इनकी छुट्टी रहती है उस दिन ही करती हूँ। तो जैसे ये गद्दे वगैरह मेरे अकेले के बस के नहीं थे कि मैं पूरे टेरिस तक इनको उठा के लेकर आ सकूँ, तो इसीलिए मैंने आज का दिन रखा कि धूप भी है तो इन्होंने हेल्प कर दी। तो इस तरह से कपड़े काफ़ी कुछ धुल गए हैं, सूख भी गए, और अभी आज संडे था लेट हो गया मॉर्निंग में, पहले इनकी आज डांस प्रैक्टिस थी जैसे दिखाया, फिर उसके बाद है तो आके घर का काम, तो यही सब होते होते सब लेट भी हो गया। तो अभी आज सारे कपड़े धुले हुए हैं, तो गद्दे तो अभी थोड़ी देर और हम डले रहने देंगे अच्छे से थोड़ा धूप दिख जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन से बारिश हो रही थी तो बहुत वैसे से हो जाते हैं, धूप दिखाना भी था काफ़ी टाइम से तो आज ही दिखा दिया। ये दरी वगैरह जो थी सब में ही धूप दिखा रहे हैं आज, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए बस ये कपड़े मैं लेके आई हूँ डेली वाले, इनको हम अच्छे से अब फैला लेते हैं। तो फ्रेंड्स, शाम से दिन भर से मस्ती हो रही थी, सुबह डांस क्लास, फिर आके खाना वाना और फिर खेलना, दिन भर बहुत मस्ती हो गई। शाम में आज फिर कल भी बैठी ट्रेन में, आज भी बैठी है ट्रेन में, बस मस्ती करने के बाद आके पढ़ाई हुई थी। तो ये तरह से इन लोगों का इंग्लिश का रिवीजन कराया है। ये देखिए अवनीत ने थोड़ा सा मिस्टेक कर रही है, अनिका का भी चेक करना है, अवनी का हो गया तो उसका कॉपी चेक की है। तो अभी इनका एग्ज़ाम कल है इंग्लिश का, रिटन और ओरल, तो वही पढ़ाई इनकी अभी चल रही है। ओरल भी है, हाँ ओरल भी है, उन्होंने कैसा कर दिया है, मारिया वाला नहीं है, एबीसीडी राइम्स तो ओरल हो ही चुकी है कल ही, और रिटन है ओरल है, तो ये देखते हैं क्या होती है, स्पेलिंग पूछेगी, डैन वैन और ये सब की। तो ये अभी ने कंप्लीट कर लिया है, अनिका का हो रहा है, सेंटेंस लिखने हैं, राइमिंग वर्ड्स हैं, काफ़ी कुछ है कोर्स में भी इनको, मतलब क्लास के हिसाब से। तो बस इनकी पढ़ाई चलती जा रही है, और यहाँ जो है आप देख सकते हैं इधर पे चल रहा है मैच आ रहा है फ्रेंड आज जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, तो वो हो रहा है भाई, देख रहे हैं, मतलब लगा हुआ है भैया, तो मतलब जो है अभी पढ़ाई कर रहा है। हाँ अब सीरियल लग गया क्योंकि मैच ख़त्म हो गया है, बस अभी जस्ट ख़त्म हुआ है, इंडिया जीत गई है ऑस्ट्रेलिया से 6 विकेट्स से। हाँ कुछ नहीं होता, चलो तो बस इस तरह से आप देखिए मस्ती भी चालू है, ये क्या कर रहे हैं, मस्ती चालू भी है इन लोगों की। और बस इसी के साथ जो है ब्लॉग को एंड करूँगी, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स अब हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।